स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इज एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ी थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इफ ए प्लस में आयोटा बी इक्वल टू जीरो, देन ये किसको इम्प्लाइज करेगा, ए भी जीरो होगा और इसमें बी भी क्या होगा जीरो, तभी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो सकती है। ए प्लस बी आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जीरो होगा तो जरूरी होगा कि ए भी जीरो होगा और उसमें बी भी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस में आयोटा बी किसके इक्वल हो, सी प्लस में आयोटा डी, तो ये किसको इम्प्लाइज करेगा, ए किसके इक्वल होगा सी के एंड बी किसके इक्वल होगा डी के, रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी इमेजिनरी के। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वांटिटी कह सकते हो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमने दो की प्रोडक्ट करके दिखाया भी था, इसको प्रूव भी किया था कि जेड वन ए प्लस आयोटा बी मान के और जेड टू क्या था सी प्लस में आयोटा डी, दोनों की कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन फिर से ये क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी थी द क्वोशेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो को हमने क्या किया था, आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया था और डिवाइड करने के बाद वो फिर से क्या बन गई थी, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें प्रॉपर्टीज होंगी, पहले कुछ एडिशन में प्रॉपर्टीज होंगी, फिर किसमें होंगी, मल्टीप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर, एडिशन इज क्लोज्ड, जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होगी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, एडिशन इज क्लोज्ड। इसको प्रूव करेंगे, इसका क्या मतलब है कि हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तब अगेन क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोज्ड, कि दोनों का सम करने पे सेम वही नंबर आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने प्रूव भी किया था इसको कैसे, जेड वन इक्वल टू ए प्लस में बी आयोटा, जेड टू इक्वल टू सी प्लस में डी आयोटा। नाउ जेड वन प्लस में जेड टू फाइंड आउट कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ए प्लस में बी आयोटा प्लस में सी प्लस में डी आयोटा। अब ये क्या है, रियल पार्ट, ए प्लस में सी, आयोटा कॉमन ले लिया, बी प्लस में डी, इसको फिर से मैं क्या कह दूंगी, ए प्लस में आयोटा और इसको बी, फिर से क्या बन गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मीन्स एडिशन में ये प्रॉपर्टी हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की सम एंड डिफरेंस की है, ये क्या होगी, क्लोज प्रॉपर्टी, सो एडिशन इज क्लोज। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं भी दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, जेड वन प्लस में जेड टू, ये किसके इक्वल आएगा, जेड टू प्लस में जेड वन, वही जेड वन को ले लिया मैंने ए प्लस बी आयोटा, जेड टू का ले लिया सी प्लस में डी आयोटा, जेड वन प्लस जेड टू निकाला, ये किसके इक्वल आ गया, ए प्लस सी प्लस में आयोटा बी प्लस डी, या जेड टू प्लस जेड वन किया मैंने तो ये क्या आ जाएगा, जेड टू प्लस में जेड वन, तो सी प्लस में ये आ जाएगा प्लस में आयोटा डी प्लस में डी, तो इसको मैं फिर से ये लिख सकती हूँ ना, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, या आगे डी लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम पे, तो यानी कि जेड वन प्लस में जेड टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से इस प्रॉपर्टी से जेड टू प्लस में जेड वन, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। इसमें क्या होगा, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे हमारे पास, जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री बिलोंग टू सी। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैंने जेड वन प्लस जेड टू को एड कर दिया, फिर इन दोनों में मैंने किसको ऐड कर दिया, जेड थ्री को। ये किसके इक्वल होगी, जेड वन प्लस में जेड टू प्लस में जेड थ्री। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू को ऐड किया, फिर उसके अंदर क्या कर दिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, अगर मैंने जेड वन को अलग कर लिया, जेड टू प्लस में जेड थ्री को अलग, इसका सम अलग कर दिया और इसका अलग, तब दोनों क्वांटिटी होंगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल जेड वन इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यहां से जेड टू इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, जेड थ्री इक्वल टू ई प्लस में एफ आयोटा, ये मान लेते हैं। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूं इसकी, क्या है, जेड वन प्लस में जेड टू प्लस में जेड थ्री। पहले जेड वन जेड टू को एड किया तो ए प्लस में सी, ए प्लस में सी, बी आयटा प्लस में डी आयटा, आयटा कॉमन आ गया, ये अंदर रह गया बी प्लस में डी, प्लस में जेड थ्री, जेड थ्री क्या है, ई प्लस में एफ आयटा। अब यहां से इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में सी प्लस में ई, यहां से आयटा कॉमन आ जाएगा, दोनों से अंदर रह गया बी प्लस डी प्लस में एफ। ये बन गई हमारी जेड वन प्लस में जेड टू प्लस में जेड थ्री। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, जेड वन प्लस में जेड टू प्लस में जेड थ्री। जेड वन क्या है हमारा, ए प्लस में बी आयोटा, प्लस में जेड टू क्या है, यहां से सी प्लस में डी आयोटा, जेड थ्री क्या है, प्लस करके बीच में ई प्लस में एफ आयोटा। यहां से देखो ये इसका रियल पार्ट है, रियल रियल में एड होगा, यहां से ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस ई प्लस आयटा कॉमन ले लिया डी प्लस में एल। अब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, ए प्लस में सी प्लस में ई, यहां से आयटा कॉमन दोनों से, अंदर रह गया डी प्लस में एफ प्लस में बी। और ये यही तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी, तो ये ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयटा बी डी एफ बी डी एफ। सो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जेड वन प्लस जेड टू फिर प्लस में जेड थ्री कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा, जेड वन को अलग से सम किया मैंने और जेड टू प्लस में जेड थ्री। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स एंड आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा, कोई भी जेड हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा का, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, जीरो। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आगे करेंगे हम, वो क्या होती है, वन। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन। तो यहां से इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कितना एड करूंगी यहाँ पे, ये सेम नंबर दी तो सेम नंबर, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो होगी इस केस में। तो जेड में जीरो ऐड करेंगे तभी तो जेड आएगा ना, जेड प्लस में जो आइडेंटिटी होगी वो सेम नंबर देगा, तो इसलिए हमारी इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। जेड की वैल्यू क्या थी, यहां से ए प्लस में बी आएगा, प्लस में जीरो को भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, जीरो प्लस में जीरो आएगा इक्वल टू जेड। तो यहां से एडिटिव आइडेंटिटी हो गई हमारी जीरो प्लस में जीरो आएगा। नाउ सेम एज इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये इसी की प्रॉपर्टी है ऑफ इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। जेड ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था तो जेड में मैं कितना एड करूं कि यहाँ पे वो एडिटिव आइडेंटिटी दे, और आइडेंटिटी क्या है हमारी, जीरो। तो जेड में कितना एड करूं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दे, तो क्या एड करना पड़ेगा, माइनस ऑफ जेड। क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, प्लस और इनटू में प्लस, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस ऑफ जेड, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो उसी का इनवर्स ऐड करना पड़ेगा। इनवर्स मींस जेड का नेगेटिव, जेड ऑफ माइनस जेड। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, जेड क्या है हमारा, ए प्लस में बी आयोटा,
प्लस में माइनस ए माइनस बी आल्टा इक्वल टू जीरो. सो एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ जेड इज क्या होगा, माइनस ए माइनस बी आल्टा. हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस में बी आल्टा, तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी आल्टा. एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, जीरो. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब की बार हमने ये एडिशन में की है, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लीकेशन में. यही सेम प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, क्लोज प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. यही प्रॉपर्टी सेम करेंगे हम. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड. जैसे हमने सब में भी क्या की थी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी. यहां लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड. कैसे है एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी, हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां लिखेंगे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे जेड वन की मैंने जेड टू के साथ मल्टीप्लाई की, जेड वन इंटू जेड टू, तो यही इनकी प्रोडक्ट जो आएगी ना वो किसके इक्वल होगी, ये जेड टू इंटू जेड वन. ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, तो यहां से यानी कि किन्हीं भी दो को हम मल्टीप्लाई कर दी, जैसे ए प्लस में आयोटा बी, सी प्लस में आयोटा डी, तो ये अगेन फिर से क्या आएगा, ये ए सी प्लस में ए आयोटा डी प्लस में आयोटा बी सी प्लस में आयोटा स्क्वेयर बी डी, ये बनेगा मल्टीप्लाई के बाद ए सी, और यहां से माइनस में बी डी, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन पुट कर, यहां से आयोटा ए डी प्लस में बी सी. तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस में आयोटा बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सम वाली प्रॉपर्टी क्या थी कॉम्यूटेटिव, जेड वन प्लस में जेड टू किसके इक्वल आ रहा था, वहां से जेड टू प्लस में जेड वन, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड वन इंटू में जेड टू किसके इक्वल आएगा, जेड टू इंटू में जेड वन. फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग टू सी, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इन दोनों की जेड, ये जेड वन लगा लेंगे और ये जेड टू, इनकी प्रोडक्ट ये आ गई, तो फिर मैं जेड टू की जेड वन के साथ प्रोडक्ट करूंगी तब भी ये यही आएगी, यहां से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है वही किसमें आएगी, जेड टू इंटू जेड वन में. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. सम वाली प्रॉपर्टी में क्या था एसोसिएटिव में, जेड वन प्लस में जेड टू, फिर उसमें हम जेड थ्री नंबर ऐड कर रहे थे, वो किसके इक्वल आ रहा था, जेड वन प्लस में जेड टू प्लस में जेड थ्री, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड वन जेड टू इंटू में जेड थ्री, फिर इसको मैंने ये लिख दिया जेड वन इंटू जेड टू, फिर ब्रैकेट लगा दिया जेड थ्री. कोई भी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहां से ले लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जेड वन जेड टू जेड थ्री इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, पहले जेड वन जेड टू की करें और इंटू में जेड थ्री. नाउ प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी को, हमें जेड वन को मान लेंगे ए प्लस आयोटा बी या ए वन प्लस में आयोटा बी वन कह लो, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है ये जेड वन जेड टू जेड थ्री इक्वल टू जेड वन जेड टू की कर देते हैं फिर जेड थ्री के साथ. जेड वन मान लिया मैंने ए वन प्लस में बी आयोटा बी वन आयोटा, जेड टू ले लिया मैंने ए टू प्लस में बी टू आयोटा, जेड थ्री ले लिया ए थ्री प्लस में बी थ्री आयोटा. तो यहां से पहले जेड टू जेड वन निकालेंगे, जेड टू जेड थ्री जो ब्रैकेट में है, तो मीन्स ए टू प्लस में बी टू आयोटा, ए थ्री प्लस में बी थ्री आयोटा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे इसकी पहले इन दोनों के साथ, ए टू ए थ्री प्लस में ए टू बी थ्री आयोटा प्लस में बी टू की इन दोनों के साथ, बी टू ए थ्री आयोटा प्लस में बी टू बी थ्री आयोटा स्क्वेयर. तो कितना आ गया यहां से माइनस वन आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू, तो इनको इकट्ठा लिख देंगे ए टू ए थ्री माइनस बी टू बी थ्री, यहां से आयोटा कॉमन
ए टू बी थ्री प्लस में बी टू ए थ्री, ये वैल्यू आ गई हमारी जेड टू इंटू जेड थ्री। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, जेड वन। जेड वन क्या हमारा ए वन प्लस में बी, ए वन प्लस में बी वन आल्टा, बी वन आल्टा, इसकी इसके साथ करेंगे ए टू ए थ्री माइनस बी टू बी थ्री प्लस में आल्टा ए टू बी थ्री प्लस में बी टू ए थ्री। अब ए वन की इनके सभी के साथ करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री माइनस में ए वन बी टू बी थ्री प्लस में आल्टा ए टू ए वन बी थ्री ए वन बी टू ए थ्री। फिर बी वन आयटा के साथ करेंगे बी वन ए टू ए थ्री आयटा, ठीक है ना। फिर इसके साथ बी वन बी टू बी थ्री आयटा, फिर आयटा 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 स्केयर बन गया। फिर बी वन ए टू बी थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी वन बी टू ए थ्री, यहां से आयटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। अब इनकी प्रोडक्ट ये आ गई हमारी, ये किसकी वैल्यू आ गई जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री। अगर हम अब मल्टीप्लाई करें किस किस की, जेड वन जेड टू की वैल्यू इन दोनों नंबर्स की इंटू में मैं क्या करूं जेड थ्री, तब वो किसके इक्वल आएगी, सेम एज इट इज इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगी। तो सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी हमारी, जीरो। जीरो को क्या हम बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस ऑफ जेड, सेम एज इट इज। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, जेड इक्वल टू ए प्लस में बी आल्टा, इसमें वन होगी हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा, जेड को किसे, वन से, तो तभी तो जेड आएगा ना। जेड को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, वन। मल्टीप्लाई में वन को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वन प्लस में जीरो आइटा लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन प्लस में जीरो आइटा। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसमें इनवर्स क्या था, माइनस ऑफ जेड। यहाँ पे इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होता है इनवर्स में, कि जेड को मैं जेड के अंदर क्या ऐड करूं कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, उसमें ये था ना एडिशन में, तो इसमें जेड को किससे मल्टीप्लाई करूंगी आइडेंटिटी आ जाए। तो जेड इंटू में किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी क्या आ जाए हमारे, वन। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वन अपॉन में जेड से, जेड से जेड कैंसिल होके किसके इक्वल आएगा, वन। वन क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी, वहां भी क्या था जेड में मैं कितना ऐड करूं कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए, तो क्या ऐड किया था मैंने, माइनस जेड। माइनस जेड क्या हो गया था उसका, एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज वन अपॉन जेड, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी इज वन, वन प्लस जीरो आइटा भी कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स इज माइनस जेड एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है कुछ, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टी किसमें होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो फर्स्ट इज जेड वन प्लस में जेड टू, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस में जेड टू स्क्वायर प्लस में टू जेड वन जेड टू। सेकेंड इज जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जेड वन स्क्वायर प्लस में जेड टू स्क्वायर माइनस में टू जेड वन जेड टू। एंड थर्ड इज जेड वन प्लस जेड टू का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, जेड वन क्यूब प्लस जेड टू क्यूब प्लस में थ्री जेड वन जेड टू इंटू में जेड वन प्लस में जेड टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, खोल लेंगे तब, जेड वन स्क्वायर क्यूब जेड टू क्यूब प्लस में थ्री जेड वन स्क्वायर जेड टू प्लस में थ्री जेड वन जेड टू स्क्वायर। नाउ फोर्थ इज जेड वन माइनस जेड टू का क्यूब, जेड वन क्यूब माइनस जेड टू क्यूब माइनस थ्री जेड वन जेड टू इंटू में जेड वन माइनस भी जेड टू,
माइनस होगा तब सभी जगह माइनस आएगा। जेड वन क्यूब माइनस जेड टू क्यूब माइनस में थ्री जेड वन स्क्वायर जेड टू प्लस में थ्री जेड वन जेड टू स्क्वायर। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड वन माइनस जेड टू इंटू जेड वन प्लस में जेड टू। ये कुछ हमारी बेसिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे जेड है जेड ए प्लस बी आयटा फॉर्म का है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, किससे हम डिनोट करते हैं इसको, जेड के ऊपर बार से। तो यहां लिखेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे इसको, जेड बार से। फॉर एग्जाम्पल जेड क्या है हमारा ए प्लस में बी आल्टा, देन कंजुगेट को कैसे डिनोट करेंगे, जेड कंजुगेट। ये कैसे निकलेगा, जो भी आल्टा वाली टर्म है ना उसका साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहां से ए माइनस में बी आल्टा, ओनली किसका साइन चेंज होगा, आयटा वाली टर्म का। वी हैव टू चेंज साइन ऑफ आयटा टर्म, हमें कौन सा साइन चेंज करना है, किसके लिए, कंजुगेट के लिए कौन सा साइन चेंज करना है, हमेशा आयटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। जैसे टू प्लस में थ्री आयटा, मैंने ये लिख दिया, ये जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे लिखेंगे, जेड बार यहाँ पे टू, ये प्लस थ्री आल्टा है तो क्या आ जाएगा इसका, माइनस थ्री आल्टा। अगर सीधा ये दे दिया मुझे कि फोर आल्टा माइनस में फोर आल्टा, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जीरो माइनस में फोर आल्टा, इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड बार, आल्टा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, जीरो प्लस में फोर आयटा, क्या आ गया हमारा इसका कंजुगेट फोर आयटा। अगर ये लिख दिया मैंने जेड इक्वल टू फाइव आयटा प्लस में टू, फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर, तो कंजुगेट को किससे करेंगे, जेड कंजुगेट। आप ये नहीं लिख देंगे कि फाइव आयटा माइनस में टू, क्योंकि टू तो इसमें रियल पार्ट है, आयटा वाली टर्म का ही साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, और प्लस में टू एज इट इज। तो ये कंसेप्ट था हमारा किसका, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम बाद में करेंगे, पहले यही टॉपिक समझना था हमें कि जेड कंजुगेट होता क्या है। तो इसमें क्या करना होगा हमें, ओनली साइन इसका चेंज होगा आयटा वाली टर्म का। नाउ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को हम मोड जेड से डिनोट करते हैं, जैसे जेड कोई भी हमारा ए प्लस में बी आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप डिनोट करेंगे मोड जेड, और ये किसके इक्वल होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए रियल पार्ट का स्क्वायर और बी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये क्या है कि नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, मॉडुलस जेड। फॉर एग्जांपल जेड इक्वल टू टू प्लस में थ्री आयटा, इसका हमें क्या निकालना है, मोड जेड, तो क्या हो जाएगा ये टू का स्क्वायर फोर प्लस में थ्री का स्क्वायर नाइन, कितना आ गया रूट थर्टीन, रूट थर्टीन इज द मॉडुलस ऑफ मोड जेड, हम ऐसे इसको मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत ही जी है, बस इधर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है मॉडुलस की, वो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, अभी तक बस ओनली डेफिनेशन को समझना हमें, रूट के अंदर क्या होगा ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मोड जेड से इसको डिनोट करते हैं, कंजुगेट को जेड बार से उसमें आयटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट, जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आर, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके ऊपर क्या ले दिया मैंने स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, हमसे ये क्वेश्चन फाइंड आउट करवाएगा कि इस नंबर का कोई भी जेड नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे टू प्लस थ्री आयटा दे दिया और पूछ लिया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो उसका हमें इसमें यूज करना है। लास्ट में एक सीधा फॉर्मूला भी बनेगा इसमें, या पूरा ये मेथड आप सीधा वहां से निकाल सकते हो, या सीधे फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हो। नाउ इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल, एक्स प्लस आयटा वाई, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए प्लस आयटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में टू आयटा एक्स वाई, आयटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में टू आल्टा एक्स वाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए, टू एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस आल्टा वाई। एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू कब आएगी, तब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक इक्वेशन और बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसके इक्वल है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक इक्वेशन और बना देंगे, तब दोनों इक्वेशन को एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स एंड वाई की। तब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये नहीं है, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इसका यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये सॉल्व करेंगे, एक्स की फोर प्लस वाई की फोर प्लस में टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ से एक्स की फोर प्लस वाई की फोर माइनस में टू एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इधर प्लस का टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों साइड इक्वल करने के लिए, लेफ्ट और राइट राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए इसमें कितना एड और करें कि ये टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाए, तो कितना ऐड करना पड़ा, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये कंप्लीट एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हर क्वेश्चन में जिसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ से ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए, सो ए स्क्वायर। यहाँ से टू एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मीन्स बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, माइनस वाली टर्म नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किन्हीं भी टू नंबर के जो स्क्वायर कर रहे हैं उनका सम कर रहे हैं वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को एड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एड करने पे एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, वाई स्क्वायर की आ गई वन अपॉन टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए। हमें तो किसकी चाहिए यहाँ पे, एक्स और वाई की, तो एक्स की क्या आ गई, रूट लग जाएगा उधर जाके, और प्लस माइनस हाफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, एंड वाई की प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब एक फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दो आ रही है प्लस माइनस, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस दो, टू वैल्यू जा रही है, तो एक रिलेशन था हमारा टू एक्स वाई इक्वल टू बी, तो यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू मैंने नेगेटिव पुट कर दी और वाई की भी नेगेटिव कर दी, देन बी की क्या आएगी पॉजिटिव, बी की नेगेटिव कब आएगी, दोनों का साइन क्या होगा डिफरेंट, एक्स के वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की नेगेटिव, वाई की नेगेटिव है तो एक्स की पॉजिटिव, तो यहाँ से हम इस रिलेशन से एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे। यहाँ से ये रिलेशन था हमारे पास टू एक्स वाई इक्वल टू बी, और स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा एक्स प्लस में आल्टा वाई फॉर्म का। अब यहाँ से अगर देखो बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई हो रखी है यहाँ पे, और एक्स और वाई की दो वैल्यू जाई हुई है प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी सेम साइन की होगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगी बी की वैल्यू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, तो इफ बी इज पॉजिटिव देन एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन, किस साइन के होंगे वो सेम साइन के होंगे, देन इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा एक्स प्लस प्लस में आल्टा वाई, एक्स की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू ये, तो यहाँ से हाफ हाफ ये क्या आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए प्लस में आल्टा वाई, वाई की वैल्यू ये वन अपॉन टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए। अब इफ बी इज नेगेटिव, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे बी नेगेटिव आ गया तो एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, या वाई वाई पॉजिटिव है तो एक्स क्या होगा नेगेटिव, दोनों क्या होंगे डिफरेंट साइन के होंगे, तभी बी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आल्टा बी किसके इक्वल आएगा प्लस माइनस, ये एक्स की वैल्यू हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए, ये वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली तो ये इसको क्या लेना पड़ेगा वाई को आगे नेगेटिव, तो माइनस में आल्टा हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए, तो ये हमारे स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गए किसके ए प्लस बी आल्टा का। तो सीधा हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं कि किसी का हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देके स्क्वायर रूट पूछ ले तो सीधा यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, या पूरा मेथड यही करना पड़ेगा हमें, वही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या
सीटा फॉर्मूला याद करो, याद रखो और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि कोई भी जेड किस फॉर्म का होगा, ए प्लस बी आयटा, वह रियल पार्ट भी गिवन मिलेगा और इमेजिनरी, यहाँ सीधे वैल्यू पुट करो और किसका स्क्वायर रूट निकालो। ओके स्टूडेंट, ये हुआ कुछ बेसिक 5.2 एक्सरसाइज का कॉम्प्लेक्स नंबर।